तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कैसे आप मोबाइल में जिसमें आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें आप अपने पाइथन प्रोग्रामिंग को पाइथन कोडिंग को आप रन करा सकते हो, एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो भाई चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और ये वाला एप्लीकेशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, पाइड्रॉयड 3। इसमें जावा का भी है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा एक, पाइड्रॉयड 3। तो आपको सिंपली जाना है कहाँ पर, आपको प्ले स्टोर में, देखिए प्ले स्टोर, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है क्या चीज़, वही पाई ड्रॉयड, देखिए ऊपर आ गया है, मैं अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया हूँ तो ओपन दिखा रहा है। हम चलते हैं ओपन पे, क्लिक कर लेते हैं और आपको इसमें कैसा इंटरफेस दिखता है, देखिए यहाँ पे कुछ इसका मैंने सेटअप कर लिया हुआ है। तो दुनिया का सबसे आसान काम होता है, आप जानते ही हैं, किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, नेक्स्ट 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 और फिनिश, वो आपका एप्लीकेशन, वो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, देन यूज़ करना भी काफ़ी ईजी होता है, आसान होता है। तो आइए, इसमें हम कुछ ऊपर 3 डॉट्स दिया हुआ है, आप यहाँ पे सारे सेटिंग आप देख सकते हो, PIP ये पिप इंस्टॉल भी कर सकते हो, शेयर है, पेस्ट बहुत कुछ इसमें है। तो आप यहाँ पे पाइथन की प्रोग्रामिंग को रन करा सकते हो। आइए हम एक प्रोग्राम देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे किया 5 + 6 और मैंने क्या किया, नीचे दिया है रन का बटन, मैं दिखा दूँ आपको, देखिए यहाँ पर आपका, सॉरी, नीचे जो लिखा है रन कमांड, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। देखिए आपके सामने आंसर क्या आ रहा है ऊपर, प्रोग्राम फिनिश्ड, कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि इसमें जो आपका जो वैल्यू है, कोई ना कोई वेरिएबल मांग रहा है। तो चलते हैं, देते हैं वेरिएबल्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था इंटरेक्टिव मोड पे, वहाँ पे डायरेक्ट आप वैल्यू दे दो तो आपका आउटपुट आपके सामने। यहाँ पर क्या है, देखते हैं कि a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 6 एंड प्रिंट के अंदर, प्रिंट एक आउटपुट कमांड होता है, मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और देन यहाँ पे सी, सॉरी यहाँ पे मैंने लॉजिक नहीं लगा, लॉजिक भी लगा लेते हैं कि सी इक्वल टू a प्लस b। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं, सॉरी यहाँ पे b हो गया है, सी, ठीक है सी, अब इसको रन करते हैं। देखिए मैंने रन पे क्लिक किया और आंसर रिज़ल्ट आपके सामने, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका रिज़ल्ट 11 आउटपुट आपके सामने। तो ऐसे आप कर सकते हो। हम लोग एक प्रोग्राम और करते हैं कंपाइल, ये तो कंपाइल टाइम हो गया जिसमें वैल्यू कोडिंग में देते हैं, हम एक करते हैं रन टाइम, देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर a इक्वल टू मैंने किया int, देन ब्रैकेट में मैंने किया इनपुट, देन ब्रैकेट में डबल कोट के अंदर अपना मैसेज, अपना मैंने क्या दिया मैसेज कि एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है, दो नंबर को ऐड करना है। तो इनपुट कमांड हम दो बार चलाएंगे, तो b इक्वल टू int, देन इनपुट और देन इसके बाद एक मैसेज इसके लिए भी, तो डबल कोट के अंदर हम क्या चलाएंगे फिर से मैसेज कि एंटर द सेकेंड नंबर। अब क्या करेंगे, लॉजिक जो ए वेरिएबल में आ रहा है फर्स्ट नंबर, बी में आ रहा है सेकेंड नंबर, इन दोनों को करना क्या है, तो क्या करना है, तो c इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, आप कोई भी ऑपरेटर परफॉर्म कर सकते हो, और देन वही करना है, प्रिंट आउटपुट कमांड है, प्रिंट के अंदर आपका सी, क्योंकि सी के अंदर ही आपका लॉजिक, इट मीन्स आंसर आउटपुट आ रहा है। अब इसको हम रन करते हैं, चलिए रन कमांड पे क्लिक करते हैं। देखिए क्या पूछ, सिंटेक्स eul while scanning string literal, जी हाँ यहाँ पे कुछ गलत हो गया, चलते हैं बैक, क्या गलत है ये देखते हैं, क्या यहाँ पे गलत हुआ है। तो यहाँ पे प्रिंट सी a इक्वल टू int, इनपुट इंटर द फर्स्ट नंबर, यहाँ पे आपका स्ट्रिंग छूट गया है, देख सकते हो आप, तो जस्ट लाइक वैसे ही काम कर रहा है, थोड़ा सा भी इरर है तो ये आपको बता देगा एकदम ईजिली। आइए अब इसको रन करते हैं, डबल कोट छूट गया था, अब करते हैं एग्जीक्यूट। देखिए फिर क्या दे रहा है, स्कैनिंग राइटिंग AOL, सॉरी लास्ट में आपको यहाँ पे इरर दे रहा है, यहाँ पे क्या दे रहा है, सॉरी यहाँ पे डबल कोट लग गया है टू टाइम्स। अब इसको रन करते हैं, देखिए अब आपका आंसर आ गया, इंटर द फर्स्ट नंबर मैंने किया यहाँ पे 50, इंटर द सेकेंड नंबर मैंने किया 20, अब मैं कर रहा हूँ रन 70, देखिए आंसर आपके सामने 70। इसको एक बार माइनस करके हम देख लेते हैं, प्लस के जगह हम क्या करते हैं माइनस, प्लस के जगह हम कर लेते हैं माइनस, ठीक है,
इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, रन करता हूँ। देखिए मैंने किया 50, इंटर मैंने किया 20 और रिजल्ट आपके सामने 30। सो गाइज आप मोबाइल में भी आप पाइथन कोडिंग आप कर सकते हो, कोडिंग कोई भी हो, यहाँ पर लिखिए, एग्जीक्यूट करिए और आंसर आपके सामने। ये एक इमरजेंसी सेवा है, बाकी तो आपको लैपटॉप एक सफिशियंट, एक अच्छा इंटरफेस है, एक डिवाइस है जिससे आप अपनी कोडिंग कर सकते हो। बस कभी कभी आपके पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं होता है और आपको प्रैक्टिस करनी होती है, तो आप मोबाइल में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपने कोडिंग का प्रैक्टिस आप कर सकते हो, आउटपुट अपने सामने आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।